दोस्तों, यदि आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बना लिया है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ई श्रम कार्ड को दोबारा से रीप्रिंट किस प्रकार से कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको CSE के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपने ई श्रमिक कार्ड को किस प्रकार से एडिट कर सकते हो और अपने ई श्रमिक कार्ड को है जो दोबारा से रीप्रिंट कर सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, तो इसलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी CSE की ID पर आ जाना है। तो आपके सामने इस प्रकार से CSE की जो ई श्रमिक वाली ID है वो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है रजिस्टर न्यू UW का, और यहाँ पर है एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड का। दोस्तों, ये भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला जो पोर्टल है काम नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पर न्यू UW पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आधार लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी अपना मोबाइल नंबर है, यानी जो आपने पहले कार्ड बनाते हुए दिया था, वो लगा देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो कैप्चा है वो फिल कर देता हूँ, और कैप्चा फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने एक OTP आ जाएगा। तो मैं अपने मोबाइल में यहाँ पर OTP आ चुका है, तो उस OTP को यहाँ पर लगा करके इसको लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेकंड्स चल रहे हैं और 30 सेकंड का यहाँ पर टाइम होता है। उसके बाद में आपको OTP दूसरा जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो टाइप करना होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर दिया है। इसके बाद में आपको कैप्चर फिंगर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कैप्चर फिंगर पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैप्चर सक्सेसफुली PID, तो ये आ गया है। आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक अपडेट प्रोफाइल का और एक डाउनलोड UAN कार्ड का। तो आपको यदि डाउनलोड करना है तो UAN कार्ड डाउनलोड पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहां पर मेरा जो UAN कार्ड है वो आ चुका है। दोस्तों, यहां पर मेरी कंप्लीट डिटेल, थोड़ी सी साइट धीरे चलने के कारण यहां पर कंप्लीट डिटेल धीरे धीरे आ रही है। तो आप देख सकते हो मेरी यहां पर कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। यहां पर डाउनलोड UAN कार्ड पर आप क्लिक करोगे तो आपका कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में आपको यहां पर बैक आ जाना है। यदि आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, यानी आपको अपने कार्ड में कुछ करेक्शन करना हो, तो आप यहां से कर सकते हैं। आपके पास में इस प्रकार से ऑप्शन होगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी आपको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां पर चेक करनी है या उसको करेक्शन करना है, तो आप यहां से कर सकते हो। तो मैं यहां पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, इमरजेंसी मोबाइल नंबर है वो अपडेट कर सकते हो। यानी अभी ये यहां पर बंद दिखा रहा है, तो आप यहां एडिट बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो यह जो बटन है वो सक्रिय हो जाएगा। अब आप यहां पर कोई भी अपना मोबाइल नंबर जो दूसरा देना चाहते हो वो दे सकते हो। दोस्तों, इसके बाद में आपको अपना मेल ID देखना है, और यहां पर मेरी स्टेटस है, फादर्स नेम इत्यादि, आप सारी डिटेल्स यहां पर चेक कर सकते हो। इसके बाद में आपको नीचे दिया हुआ है अपडेट स्टेटस, तो आपको अपडेट पर क्लिक कर देना होगा, तो आपकी डिटेल्स है वो यहां पर अपडेट हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद में यदि आपको अपना एड्रेस चेंज करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपडेट एड्रेस पर जाओगे तो आपको यहां पर ये डिटेल्स फिल कर देनी होगी। पहले से भरी हुई आपको डिटेल्स यहां पर मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद में आपको जो भी नई डिटेल्स भरनी हो तो आप यहां से जो राज्य है वो सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर टाइम लगा रहा है क्योंकि ये साइट थोड़ी ज़्यादा बिजी चल रही है, इसके कारण से यहां पर अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये डिटेल्स आपको पहले से इस प्रकार से भरी हुई मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद में आपको यहां पर जो नई डिटेल्स है भरनी है वो भर सकते हो। इसके बाद में आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में दोस्तों, यदि आपको अपना जो एजुकेशन या इनकम सर्टिफिकेट वाला चेंज करना है तो आप यहां पर एजुकेशन अपनी अपडेट कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों, यहां पर ऑक्यूपेशन और स्किल यदि आपको अपडेट करनी है तो आप इसके बटन के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर डिटेल्स डाल सकते हो और अपडेट बटन पर क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद में यदि आप बैंक डिटेल यहां पर अपनी करेक्शन करना चाहते हो तो आप यहां पर बैंक डिटेल को भी यहां पर अपडेट कर सकते हो। प्रीव्यू प्रोफाइल पर आकर के आप अपनी जो पहले से भरी हुई डिटेल्स है वो देख सकते हो, या आपने जो नई डिटेल्स डाली है तो वो आप यहां पर चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार नीचे आओगे तो यहां पर एग्जिट बटन आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने प्रीव्यू देख सकते हो, और यहां पर प्रिंट बटन पर आप क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हो। यदि आपने कुछ अपडेट किया है तो यहां पर आपकी डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगी, और आप अपना जो न्यू कार्ड है वो यहां पर निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना जो कार्ड है वो अपडेट भी कर सकते हो और दोबारा से रीप्रिंट भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना कि आपको ये
वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।